घोटाला, ये बड़ा अजीब शब्द है घोटाला, मतलब जब तक करोड़ ना आए इस घोटाले में तब तक घोटाले को हम छोटी मोटी चोरी मानते हैं, हेरा फेरी मानते हैं, लेकिन घोटाला तो घोटाला होता है, चाहे एक पैसे का हो, एक रुपए का हो, एक करोड़ का हो, एक लाख का हो या उससे ऊपर का। आज जिस ठगी की, जिस घोटाले की हम बात करने वाले हैं, असल में देखिए हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल पूछना। जब भी मन में कौतूहल आता है हम सवाल पूछते हैं। एक सवाल हमने पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, सब इसका जवाब इस तरीके से दे रहे थे कि हो सकता है ऐसा हो। अब क्या है वो घोटाला और संभवतः इस घोटाले से हर कोई पीड़ित है, आप भी हम भी, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल कैसे लीटर है हर रोज़ उसके दाम थोड़े चढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन लगभग 99 रुपये 86 पैसे पेट्रोल का रेट है। ये तब की बात है जब हमने ये खबर की थी, 99 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल जब आप भराने जाते हैं तो आप बोलते हैं 100 का पेट्रोल डाल दो, अगला जो पेट्रोल वाला वो 100 रुपये का पेट्रोल आपके गाड़ी में डाल देता है। 100 रुपये का पेट्रोल यानी 99 रुपये 86 पैसे प्लस 14 पैसे एक्स्ट्रा। क्या वो 14 पैसे एक्स्ट्रा का पेट्रोल आपकी गाड़ी में जाता है? क्योंकि वहाँ जो मीटर होता है वो मीटर तो 1 लीटर ही दिखाता है, जब आप बिल लेंगे तो वो बिल भी 1 लीटर का ही दिखाएगा। क्या होता है कि वो जो मशीन होती है दबाने वाली, उस मशीन को जब आप ऐसे दबाते हैं असल में वो फ्लो कंट्रोलर होता है, उससे एक बूंद भी एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं गिरता, जितना आप उसमें फीड करेंगे पेट्रोल उतना ही गिरता है। यानी ये पेट्रोल 99 रुपये 86 पैसे का होता है, आप 200 रुपये देंगे तो आपको 99 रुपये 86 पैसे प्लस 99 रुपये 86 पैसे यानी 28 पैसे का पेट्रोल का कोई हिसाब नहीं। आप 2000 रुपये लहराते हुए दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है 2000 का दे दो, आपको 20 लीटर पेट्रोल मिलता है, एक्स्ट्रा नहीं होता उसमें, वो 20 लीटर ही पेट्रोल होता है। यानी 1 लीटर में 14 पैसे तो 20 लीटर में आप निकाल लीजिए हिसाब। एक पेट्रोल पंप अगर दिन भर में 1 से 10 लाख लीटर पेट्रोल डिलीवर करता है तो 10 लाख × 14 पैसे आप जोड़ लीजिए कितना होता है, ये एक पेट्रोल पंप का हिसाब है। अब आप सोचिए कि रांची में कितने पेट्रोल पंप है, अब आप हिसाब लगाइए कि सिर्फ रांची के अलावा झारखंड में कितने पेट्रोल पंप हैं और पूरे देश में कितने पेट्रोल पंप हैं, और उसके बाद आप हिसाब को जोड़िए इकाई दहाई सैकड़े हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़। आप हिसाब जोड़िए, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। आप सब अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो जरूर भरवाते होंगे। आज एक ऐसा घोटाला पेट्रोल पंप का आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल 99 रुपये 86 पैसे लीटर है, आप 100 की पत्ती पेट्रोल के लिए देते हैं, पेट्रोल डालने वाला आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाल देता है और इस तरह से आप खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। पर सवाल है कि पेट्रोल जब 100 रुपये का लिया और पेट्रोल 99 रुपये 86 पैसे लीटर है तो बाकी के 14 पैसे का पेट्रोल गया कहाँ? आप बोलेंगे 14 पैसे से क्या होता है, तो अब गणित समझिए। एक पेट्रोल पंप अगर दिन भर में 1 लाख लीटर पेट्रोल देता है तो 14 पैसे के हिसाब से 14,000 रुपये का कोई हिसाब नहीं। ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप का आंकड़ा है, तो राज्य भर का आंकड़ा सोचिए। राज्य भर का आंकड़ा समझ गए तो देश भर का आंकड़ा सोचिए। अब जब आंकड़ा समझ गए तो आपको हम ये भी बताएं कि इसे समझने के लिए हम रांची के कई पेट्रोल पंप पर पहुंचे, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पेट्रोल पंप नंबर 1 लाइव 7 आपके लिए एक बहुत ही वो काला धन लेकर के आया है आप लोगों के सामने सफेद करने के लिए, जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी इस चीज को पकड़ नहीं पाए। इस वक्त मैं राजधानी रांची के एक पेट्रोल पंप पे हूँ और इसके अलावा और भी पेट्रोल पंप के का दृश्य आपको दिखाऊंगी। नॉर्मली पेट्रोल अभी राजधानी में 99 रुपया 86 पैसा चल रहा है, हम पेमेंट करते हैं 100 रुपया, 100 रुपये में मिलता है हमको 1 लीटर पेट्रोल। अब 99 रुपया 86 पैसा 14 पैसा का हिसाब कौन देगा हमको? अभी कुछ देर पहले मैंने खुद पेट्रोल लिया अपनी गाड़ी में 100 रुपये का, 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिला। अब 99 रुपया 86 पैसा जो दाम है उससे ज़्यादा मैंने पेड किया 14 पैसा। अगर दिन भर में यहाँ पे 10,000 1 लाख लोग आते हैं तो पेट्रोल पंप के मालिक को 10,000 का फ़ायदा होता है। इस पैसे का हिसाब कौन देगा? इस पैसे का हिसाब कहाँ जाता है? भैया कितना का पेट्रोल ले रहे हैं? 700 का ले रहे हैं। अच्छा 700 को थोड़ी देर के लिए साइड रख के एक सवाल है मेरा कि पेट्रोल है 99 रुपये 86 पैसा, आप 100 रुपये पे करते हो 1 लीटर के लिए, ठीक है?
एक लीटर में आपका 14 पैसा ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? आप बताइएगा कि ये क्यों जा रहा है, इसका कोई हिसाब क्यों नहीं देता है? इसका हिसाब नहीं देता है चेंज के कारण। किसके कारण? चेंज के कारण। वो हमारी परेशानी नहीं है ना, वो तो पेट्रोल पंप की परेशानी है। हमारी परेशानी नहीं है। नहीं, मतलब आपके भी मन में ये सवाल है कि 14 पैसा आखिर आपकी कमाई का जा कहाँ रहा है? जी आइए भैया, पेट्रोल है 99.86 रुपये, आप 100 रुपये का एक 100 रुपये देते हो तो वो आपको 1 लीटर देता है, 14 पैसा का हिसाब कहाँ है? सरकार के पास होगा। सरकार के पास, चलिए ये भी सही है कि सरकार के पास ये जाता है। आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा नापतोल होना चाहिए, 14 पैसा का हिसाब सरकार या मालिक को देना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं ना, सिस्टम एकदम बेकार ही है, सिस्टम ही बेकार है। बोलिए, आदमी चाहता है पैसा बचे, आदमी हर इंसान चाहता है कुछ पैसा बचे, लेकिन बचने का चांस ही नहीं है। पेट्रोल पंप पे आप काम कर रही हैं, पेट्रोल का दाम है 99.86 रुपये, मैं 1 लीटर ली, 1 लीटर आपको 99.86 रुपये पड़ता है, लेकिन मैंने आपको 14 पैसा ज़्यादा दिया, क्यों ऐसा? आप लोग वापस भी नहीं करते वो 14 पैसा? वो मुझे नहीं पता है। नहीं 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 पता है, और भी यहाँ पे है जो पेट्रोल दे रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वो पैसा जाता कहाँ है। भैया मैं 100 रुपये का पेट्रोल ली, लेकिन पेट्रोल जो है 99.86 रुपये लीटर है, मेरा 14 पैसा कहाँ गया? बात कर लीजिए अंदर से भैया। इनको भी नहीं पता है, और ये सवाल का वाकई में जवाब किसी के पास नहीं है कि 14 पैसा जाता कहाँ है। ये सबसे बड़ा काला धन है, पूरा ईडी राजधानी में कई तरह के इनकम टैक्स वगैरह वगैरह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी इंसान पेट्रोल पंप पे आके ये नहीं पूछ रहा है कि 14 पैसा का हिसाब कहाँ गया। एक दिन में अगर 1 लाख लोग एक पेट्रोल पंप पे आते हैं तो उसमें 10,000 का मुनाफा कहाँ गया? 10,000। पहले पेट्रोल पंप पर जब हमें जवाब नहीं मिला तो हम दूसरे पेट्रोल पंप पर पहुँचे ये समझने कि इस 14 पैसे का हिसाब देगा कौन। पेट्रोल पंप नंबर 2, राजधानी के दूसरे पेट्रोल पंप पे हम पहुंचे हैं, और इस पेट्रोल पंप पे भी वही हाल है। हालांकि जो पुराने पेट्रोल पंप पे थे, पेट्रोल की कीमत थी 99.86 रुपये, जिसमें कि 100 रुपये में 1 लीटर में 100 रुपये मिल रहा था और 14 पैसा बच रहा था। इस पेट्रोल पंप पे है 99.84 रुपये, मतलब मेरा जो है कंज्यूमर मैं हूँ और मेरा 16 पैसा घाटे में जा रहा है। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि आगे की कहानी, 16 पैसा पर लीटर जो इंसान 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल ले रहा है उसका 16 रुपये पेट्रोल पंप को जा रहा है, 16 पैसा माफ़ कीजिएगा, 16 पैसा पेट्रोल पंप को जा रहा है। एक आदमी पे 16 पैसा बचा, 10 आदमी पे 1.6 रुपया 6 पैसा बचा, 100 आदमी पे 16 रुपया बचा, 1,000 आदमी पे 160 रुपया बचा, और 10,000 आदमी पे 1,600 रुपया बचा। ये ज़ीरो का सिलसिला जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन ये जो 16 पैसा का हिसाब किताब है वो कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता है, ना कंज्यूमर को पता है और ना ही किसी भी, मैं भी अभी पेट्रोल ली हूँ 100 रुपये का, 100 रुपये में कायदे से इन लोगों को मुझे 16 पैसा का पेट्रोल ज़्यादा देना था, लेकिन क्या क्या इन लोगों ने नहीं दिया। पेट्रोल का कीमत है 99.84 रुपये आप लोगों के पेट्रोल पंप पे, ठीक है? मैं 100 रुपये दी, ठीक है, तो मेरा जो 16 पैसा बचा वो उसका किसी ने हिसाब नहीं दिया, ना 16 पैसा एक्स्ट्रा का मुझे पेट्रोल मिला और ना ही मुझे हिसाब मिला। बताएंगे थोड़ा सा? ना, ये तो रेट ही है, तो ये सब जगह रेट ही है। रेट तो 99.84 रुपये है। 16 पैसा का तो देखिए, अब 1 रुपये से दुनिया चल रही है अभी का जमाना में, 16 पैसा तो है ही नहीं है कुछ भी नहीं। अगर मैंने 100 रुपये का पेट्रोल लिया, ठीक है, तो आपने मेरा 16 पैसा रख लिया, आप लोग 16 पैसा एक्स्ट्रा का पेट्रोल दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको 100 रुपये पे किया, 99 पेट्रोल है का ले लीजिए। नहीं तो हमको 101 रुपये का नहीं चाहिए ना, हमको तो 100 रुपये का चाहिए, उसमें आप हमारा 16 पैसा रख रहे हो, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? उसका पेट्रोल हमें क्यों नहीं मिला? मेरा सवाल मालिक से, सरकार से और सभी से है कि 16 पैसा दिन के अपने दिनचर्या में लोग 100 रुपये का पेट्रोल स्कूटी बाइक वाले ज़्यादातर लोग लेते हैं, उस 100 रुपये में 16 पैसा किसी पेट्रोल पंप पे 14 पैसा, हिसाब किसी के पास नहीं है। आपको याद होगा, खैर इनके पास जवाब नहीं है, आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी बत्ती गुल मीटर चालू, जिसमें कि उस फिल्म में शाहिद कपूर ने दिखाया था कि एक छोटी सी बत्ती जो जलती है करोड़ों घरों में, उसका 4 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम होता है उस कंपनी का। वही चीज़ पेट्रोल पंप के साथ है, हमें इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि ये 16 पैसा 14 पैसा कहाँ जा रहा है। अगर मैंने 100 रुपये दिया
तो मुझे पूरा पूरी 100 रुपये का पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? 100 रुपये में 1 लीटर क्यों मिल रहा है जबकि 99 रुपया 86 पैसा में 1 लीटर है और 99 रुपया 84 पैसा में 1 लीटर है। 99 रुपया 84 पैसा लीटर पेट्रोल है, ठीक है? आप 100 रुपये देते हो 1 लीटर के लिए, आपका 16 पैसा का हिसाब आपको नहीं मिलता है, बताएंगे ज़रा? नहीं, हमें तो नहीं पता है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में सच में नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास ये चीज़ आई तो हमने सोचा कि हम लोगों से बातचीत कर ले और जान ले। जवाब यहाँ भी नहीं मिला, फिर हम तीसरे पेट्रोल पंप पर पहुँचे, वहाँ की तस्वीर भी देख लीजिए। राजधानी का तीसरा पेट्रोल पंप, हमने राजधानी के 2 पेट्रोल पंप में पहले ही जायजा ले लिया और तीसरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की कीमत है 99 रुपया 84 पैसा। इससे पहले भी 99 रुपया 84 पैसा था और उससे पहले 99 रुपया 86 पैसा था। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे भी अगर मैं 100 रुपये का पेट्रोल लेती हूँ तो मुझे 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। मेरे ये 16 पैसा का हिसाब इस पेट्रोल पंप के पास भी नहीं है। अब मेरे साथ एक अंकल हैं, इनसे बात कर रही हूँ मैं, इन्हीं मामलों पे बताएंगे। अंकल, पेट्रोल का दाम 99 रुपये 84 पैसा, महंगाई एकदम आसमान में है। आप 100 रुपये का पेट्रोल ले रहे हो, आपको 100 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है, 16 पैसा का हिसाब आपको नहीं मिल रहा है, बताएंगे? पेट्रोल पंप का जो यूनियन का हो या फिर गवर्नमेंट जो भी हो, इसको देखे और ये 16 पैसा का हिसाब कहाँ पे जा रहा है इस पर वो विचार करे और जो आवश्यक कार्रवाई हो उस पर वो कार्रवाई करे, बस। आप जैसे, हम जैसे आम लोग नॉर्मली जब हम बाइक या स्कूटी लेके चलते हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल लेते हैं, जिससे ज़्यादा हम लेते ही नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाखों लोग ले रहे हैं, 10,000 से भी ज़्यादा एक दिन में बच रहा है, ये पैसे का घपला कहेंगे इसे या फिर इसे एक कोरम कहेंगे कि हाँ ये पेट्रोल पंप कर रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा? अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया, आपके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए? जो पेट्रोल पंप के जो हेड है उसको इस पर विचार करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके विषय में सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती ही है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे हमारे साथ मैनेजर हैं, उनसे, मैनेजर या फिर जो भी यहाँ पे हैं पेट्रोल पंप पे, उनसे हम बातचीत करेंगे। फिर भैया, हमारा 16 पैसा का हिसाब कहाँ जाता है? सर, मे आई कम इन? हाँ जी। पेट्रोल है 99 रुपये 84 पैसा, मैंने 100 रुपये दिया, ठीक है? 100 रुपये में मुझे 1 लीटर मिला जबकि 1 लीटर का दाम है 99 रुपये 84 पैसा। मेरा 16 पैसा का हिसाब नहीं मिला मुझे इस पेट्रोल पंप पे, बताएं? 16 पैसे के 100 रुपया फिक्स कर दिया था ना, वो फिक्स कर दिया, वो क्या ना कि जो वो मीटर वो रीडिंग ले नहीं पाती, वो 16 पैसे का जो दिया ना जो 16 रुपये, वो मशीन में सेट है ऑलरेडी, किसी के हाथ की वो बात नहीं है कि वो देगा। लेकिन अगर आप बोलते 1 लीटर दीजिए तो 1 लीटर वो फीड करके देता और तो 99 84 आपको दिखता, बट आपको 100 रुपया का 100 रुपया बराबर दिखा ना। मुझे जहाँ तक ये याद है कि 1 लीटर, अभी एक अंकल ने 3 लीटर पेट्रोल लिया और वो बोल के लिए, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो बोल के लिए 3 लीटर और 3 लीटर में उन्होंने 300 दिया, ठीक है, 300 रुपया दिया, 48 पैसा उनका ज़्यादा गया, 48 पैसे का उनको ना पेट्रोल मिला ना हिसाब मिला। लौटाया होगा पैसा, एकदम लौटाया होगा। पैसा कैसे लौटाएगा? 50 लौटाएगा। जी जी, कहिए ना। हाँ जी, चलन में नहीं है लेकिन मशीन में तो है, यू कैन। अच्छा एक अंकल, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब हम लोग यहाँ पे टंकी फुल करवाते हैं, सिर्फ मैं आपके पेट्रोल पंप को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ऐसा आपको नहीं सोचना है, हम राजधानी के 4 पेट्रोल पंप के बाद 5वां पेट्रोल पंप है, 3रा पेट्रोल पंप है हमारा। जब हम यहाँ पे टंकी फुल करवाते हैं, मान लीजिए मेरे टंकी में 500 रुपया 27 पैसा या 28 पैसा का हुआ, तो हमें पेट्रोल पंप से QR दिया जाता है, पैसा फिक्स करके पैसे भी उसमें डाले जाते हैं, 500 रुपया 27 पैसा, वो हम स्कैन करते हैं अपने फ़ोन से और उसे फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं। जी जी, हम लोग भी बहुत दिनों से देख रहे हैं, कोई 27 पैसा नहीं देता है। आपका ये फीलिंग है, आप ये सोच रहे हैं, इसको आप एक गर्मागर बनाना चाह रही कि मतलब ये है कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है अंकल कि जनता का 16 पैसा कहाँ जा रहा है, ये अंकल के पास जवाब नहीं है, इसलिए इन्हें लग रहा है। जी कहिए। 27 पैसा का जो आप बताएं कि हम QR कोड से देते हैं, कोई नहीं देता, हम लोग 27 पैसा छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, 27 पैसा छोड़ देते हैं, 27 पैसा इवन 36 पैसा होता है किसी का, वो छोड़ देते हैं, समझे ना। तो कभी कभी आप इधर आइए, देखिए ये क्या लिखा हुआ आपके सामने, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए ना। हाँ, और क्या इस अक्षर में क्या लिखा हुआ, ये पढ़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा था, सॉरी। शॉर्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट। आप जैसे 1 क्विंटल चावल को 1 पाव आधा किलो 2 किलो करके आप अगर वज़न कीजिएगा, और जब आप वज़न तो देखिएगा कि आपका 1 पाव आधा किलो घट जाता है। तो हम लोग जो तेल देते हैं दूसरे जगहों में, क्या है विदेश में और दूसरे जगह पे,
कि अगर आप तेल देती हैं तो 200 रुपया से नीचे का तेल देने का नियम नहीं है, या तो 20 रुपया का भी तेल लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं, 40 रुपया का भी लेते हैं। तो ये जो हमारा दिखाया गया हिसाब में कि देखिए इतना पैसा आपका शॉर्ट गया है। मेरा सवाल ये है कि कंज्यूमर 16 पैसा मैं को आपसे वो पेट्रोल दुकानदार जब दुकान चलाता है तो कंज्यूमर को इससे कोई परेशानी नहीं या फिर कोई मतलब नहीं होता है कि दुकानदार का कितना घाटा हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर खुद पैसे कमा के आ रहा है। 16 पैसा इंटू 1000 लोग अंकल और 160 रुपये फ़ायदा, ये सिर्फ 1000 लोगों का है। एक दिन में आपके पास 10,000 लोग ऐसे आते होंगे जो आपसे 100 रुपये का पेट्रोल लेते होंगे। नहीं, ये ठीक है, हमें तो वैसे भी नहीं पता है। बिल्कुल राउंड अप में आता है, आपको तेल कहीं कम नहीं मिलता है, ना पैसा ज्यादा जाता, वो मशीन में राउंड अप किया रहता है। चलिए ठीक है, दर्शक नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शशि भूषण है। शशि भूषण अंकल जी, इनसे हमारी बातचीत हुई, इन्हें ऐसा लगता है कि ये राउंड अप में आता है, लेकिन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 16 पैसा का हिसाब हमें मिलना चाहिए, हिसाब नहीं तो पेट्रोल मिलना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं अगर 500 का पेट्रोल लेती हूँ तो उसमें टंकी फुल करवाने पे जो पैसे आते हैं पेट्रोल पंप, वो पैसा भी लेता है। आप भी गौर कीजिएगा, आज मैं भी गौर कर रही हूँ, आप भी गौर कीजिएगा। खैर, ये तीसरे पेट्रोल पंप पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है। ऐसे ही और कई पेट्रोल पंप से जहाँ पे राजधानी की ही नहीं पूरे भारत की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे पेट्रोल में इस तरीके की हालत है। आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि हमें पेट्रोल पंप के नुकसान घाटे से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आम जनता किस तरीके से पिस रही है इस महंगाई के समय में। मेरा सवाल है, अगर ये भारत सरकार सुनती है तो उनसे सवाल है, झारखंड सरकार सुनती है तो उनसे सवाल है कि आखिर ये 16 पैसा का हिसाब कौन देगा? क्योंकि पेट्रोल पंप में मालिक जो हैं वो इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये पैसा आखिर जा मालिक के पास ही रहा है, पर जवाब किन्हीं के पास नहीं है। आखिर 14 पैसे का जवाब कौन दे? क्या इस 14 पैसे का हिसाब किसी के पास नहीं है? इस 14 पैसे के घोटाले का जवाब देने वाला कोई नहीं है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसी ही तड़कते भड़कते जानकारी के लिए और जनता को अवेयर करने के लाइव 7 हमेशा तत्पर है। सहयोगी राधे के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची। तो जैसा कि देखा आपने, 99.86 रुपये पेट्रोल है, 14 पैसे का हिसाब किसी के पास नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, 14 पैसे से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। सिर्फ एक आदमी जब 14 पैसे देता है तो दिन भर में जब 1,00,000 आदमी 100-100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो कितने का हिसाब होता है आप देख लीजिए। अगर एक पेट्रोल पंप से 14,000 रुपये का हिसाब है तो रांची में कितने पेट्रोल पंप हैं, और हर पेट्रोल पंप के 14,000 इंटू उतने पेट्रोल पंप, अरे 100 पेट्रोल पंप होंगे, 100 पेट्रोल पंप कम से कम होंगे ना रांची में। अगर 100 पेट्रोल पंप भी हैं तो आप देख लीजिए कि 14,000 इंटू 100 रोज का कितने का गड़बड़ी है, और रोज का इतने की गड़बड़ी है तो महीने की कितनी की गड़बड़ी है, और झारखंड में कितने पेट्रोल पंप है। और सबसे बड़ी बात कि सवाल का जवाब जानना हमारा अधिकार है, एक आम आदमी का अधिकार है। आप सोचते हैं कि नहीं यार, एक 14 पैसे से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। इस 14 पैसे से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, इसीलिए फर्क पड़ता है। देखिए, सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं सीधा रुक कर रहा हूँ काजल का, और मैं फिर से सभी लोगों को एक बार कहना चाहता हूँ कि किसी विशेष पेट्रोल पंप पर हमारी नज़र नहीं है, हमने रैंडमली 3 पेट्रोल पंप सेलेक्ट किए हैं। ये पेट्रोल पंप कोई भी हो सकते हैं, हमने डिस्क्लोज नहीं किया है कि हमने कौन से पेट्रोल पंप सेलेक्ट किए हैं। ये झारखंड के हर पेट्रोल पंप, पूरे देश के हर पेट्रोल पंप की कहानी है। अब आप सोच लीजिए कि कितने का गड़बड़ झाला है ये। काजल, जब आप ये खबर कर रही थी, मैं देख रहा था, जिन लोगों से हम रिस्पॉन्स ले रहे थे, जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, वो लोग सोच रहे थे अरे यार 14 पैसे का खबर दिखा रहा है ये लोग, लगता है बिल्कुल दुइये कौड़ी का पत्रकार लोग हैं, लोगों के मन में यही था। और जो पेट्रोल पंप संचालक है उनको लग रहा था ना कि हमारा ही पेट्रोल पंप। हुजूर, आपका पेट्रोल पंप नहीं, सभी का पेट्रोल पंप। सवाल पेट्रोल पंप का नहीं, सवाल 14 पैसे का है। काजल। हाँ जी अभिषेक, आपने जो कहा वो वाकई में एकदम सच है और 200% सच है कि जब हम पेट्रोल की खबर 14 पैसों के लिए करने के लिए गए थे, उस वक्त हमसे कई लोगों ने कई तरह की बातें की, किस किस तरह से बात की, और लोगों ने ये भी समझाया कि क्या कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्या करने के पीछे आखिर क्या वजह है। पत्रकारों के पास अब क्या यही समय बचा है कि ये 14 पैसे और 16 पैसे दिखाते चले, ऐसा मुझे सुनने को मिला था।
लेकिन अभिषेक जिस तरीके से हम लोगों को लेकिन बाकी जो दिन भर है बाकी इतने सारे लोग आते हैं 14 पैसों का हिसाब जाता कहाँ है। आम लोगों से बातचीत की, पेट्रोल पंप मैनेजर से बातचीत की, मालिक से तक बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं के पास इस बात का जवाब नहीं है। अब या तो सरकार मालिक है या तो भगवान मालिक है कि आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, ये तो किस्मत की बात है कि हमारे ध्यान में आ गई, उससे भी बड़ी किस्मत की बात है कि हमने आवाज उठा दी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब हम मॉल में जाते थे तो सारी चीज़ों के दाम 99 सीरीज़ में रहते थे, मतलब 99, 99, 999, 599, 499, 499 ऐसे होते हैं। अब जब आप सामान लेते हैं तो 1 रुपया वापस मिलने की जगह आपको एक टॉफ़ी पकड़ा दी जाती थी। जब यही सवाल किया जाने लगा तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नहीं, ये गलत है, मॉल आपको ज़बरदस्ती कोई टॉफ़ी नहीं पकड़ा सकते हैं, बल्कि उनको वो 1 रुपया देना पड़ेगा या फिर अपने दाम को इस तरीके से रखें कि भैया आपको पैसे रिटर्न ना करने की ज़रूरत पड़े, आप या तो थोड़ा बढ़ाइए या थोड़ा घटाइए, इस तरीके से कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 रुपये की जगह 1 रुपये की कोई सामान दे देंगे, अगर मेरे को उसका इस्तेमाल नहीं है तो आप कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। उसी तरीके से इन पेट्रोल पंप्स में भाई मैं कहता हूँ कि इन 14 पैसे, मैंने 2000 रुपये का पेट्रोल लिया, 2000 रुपये का जब मैं पेट्रोल लेता हूँ तो मेरे को 20 लीटर पेट्रोल मिलता है, एक में 14 पैसे का घपला है, तो मैं कहता हूँ कि 20 लीटर का ये जो पैसा है ये कहाँ जाता है। जब मैं बिल मांगता हूँ तो उस बिल में 20 लीटर लिखा हुआ होता है, तो ये जो 2 रुपये जो होते हैं, ये जो 2 रुपये 80 पैसे ये जो होते हैं, इसका हिसाब आखिर कौन देगा? 2 रुपये 80 पैसे का एक बूंद पेट्रोल, 2 बूंद पेट्रोल, चूंकि ये जो मशीन है इसमें फ्लो कंट्रोलर होता है, इसके पास 1 बूंद 2 बूंद वो जितना होता है उसका हिसाब उसमें होता है, उसमें फीड करने की व्यवस्था है कि मैं 100 रुपये अगर लिखूंगा तो 100 रुपये का ही पेट्रोल निकलेगा। तो भाई जब 100 रुपये मैं उसमें फीड कर रहा हूँ, 100 रुपये का पेट्रोल निकल रहा है, आपके पास फ्लो कंट्रोलर है, तमाम चीज़ें हैं, तो फिर जो बिल निकलता है उसमें 1 ही लीटर कैसे शो करता है? ये सवाल है मेरा। मैं जब टंकी फुल करवाता हूँ 2000 रुपये के लिए तो उसमें 20 लीटर कैसे शो करता है? 20.01, 20.02 क्यों नहीं शो करता है? इसका जवाब तो जानना ही चाहिए, इसका जवाब जानने का अधिकार तो हमें है ही। काजल अभिषेक, एकदम जाहिर सी बात है कि मेरे चाहे 14 पैसे जा रहे हो चाहे वो 2 रुपए जा रहे हो, मेरा एकदम अधिकार है कि मैं ये जानूं कि आखिर मेरे पैसे जा कहां रहे हैं। अब ये मेरे जानने का एकदम अधिकार है, चूंकि जब हमने पेट्रोल पंप पे ये सवाल किया तो पेट्रोल पंप से सीधे तरीके से हमें अपना नुकसान दिखा करके अपना पल्ला झाड़ते हुए लोग नजर आए, वहाँ के मालिक हो चाहे मैनेजर हो, सीधे तरीके से अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। अभिषेक, साथ ही साथ जब हमने ये पूछा कि हमें आप 100 रुपये में 1 लीटर दे रहे, इससे अच्छा है कि 100 रुपये में जो 16 पैसे का हिसाब है आप उसी पेट्रोल में मिक्स करके दे दीजिए, हम 100 रुपये के पेट्रोल से संतुष्ट रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को ढकने का, कवर अप करने का काम जो किया गया वही तरीके से किया गया कि हमारा भी घाटा है। मैडम, हम कैसे देखें? अभिषेक, बता दें कि किसी भी दुकान में घाटे का या फिर फायदे का जो चीज़ है वो एक कंज्यूमर कभी नहीं देखता है, और ये आज भी वही चीज़ है। पेट्रोल पंप जो पेट्रोल जो सदियों से हम लेते आ रहे हैं, इस महंगाई के बीच में आज अगर हमें हर लीटर पे 16 पैसे अपने बर्बाद करने पड़े, दिन में अगर मैं 500 का तेल जला रही हूँ, 1000 का तेल जला रही हूँ, तो वो मेरे 1 रुपये जा रहे हैं, इसका हिसाब मुझे चाहिए अभिषेक। अब मुझे वो कौन देगा, कहाँ से मिलेगा? Live7 से मैंने, एक Live7 मेरा भी जरिया है क्योंकि मैं भी पेट्रोल हर रोज़ लेती हूँ और हर रोज़ मेरे 16 पैसे जाते हैं, तो मेरा भी जरिया है कि इस सवाल का आखिर जवाब देगा कौन? अभिषेक, बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, पत्रकार, एंकर, रिपोर्टर, तमाम चीज़ें होने से पहले हम लोग एक आम आदमी हैं, एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर जब कोई सर्विस लेता है तो उसको अधिकार है सवाल करने का कि मैंने जितने पैसे दिए हैं उस पैसे का रिटर्न मुझे मिला है या फिर नहीं मिला है। हम वो सवाल कर रहे हैं। हर पेट्रोल पंप में हमें अलग जवाब मिला। कोई बोलता है कि नहीं, हम राउंड ऑफ करके देते हैं, कोई कह रहे हैं कि नहीं, आप 27 पैसे जब ज़्यादा होते हैं तो हम आपसे वो थोड़ी लेते हैं, तो हम उसको उसमें एडजस्ट कर देते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो उसमें करते हैं, वो 100 रुपये में उतना वो दिखाने की मशीन की क्षमता नहीं है। आप तय कर लीजिए कि आप जवाब क्या देने वाले हैं। मैं
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से भी ये सवाल पूछता हूँ कि भाई आप जवाब दीजिए मुझे, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरा अधिकार है, मैं सूचना के अधिकार के तहत आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि मेरे 16 पैसे 14 पैसे प्रति लीटर में कहाँ जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया काजल इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी ये सवाल पूछते रहेंगे, डंके की चोट पर पूछते रहेंगे, और ये लाइव 7 टीवी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनता के हक के इस 16 पैसे को हम यूं ही जाया नहीं जाने देंगे, हम तो सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि यही सवाल पूछना हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है।